हजारों बॉल पेन तोड़ देते थे मीटिंग में, हजारों रुमाल निकाल के फेंक देते थे, लोग कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाते थे। इतनी इतनी जोश वाली होश वाली मीटिंग मैंने उनकी देखी है। आज तक उन्होंने जो भी टारगेट लिया, हर हाल में किसी भी कीमत पे जाके उन्होंने उस टारगेट को पूरा किया। और एक टारगेट को पूरा करने के लिए उनके पास हजारों लाखों तरीके होते हैं। शायद कोई भी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक टारगेट को इतनी तरीकों से भी पूरा किया जा सकता है। शायद परमात्मा की विशेष कृपा उन पे है या परमात्मा का विशेष अंश उनमें है। आज आरसीएम में जो भी चीजें आपको दिखाई देती है, जैसे रॉयल्टी दिखाई देती है, इस रॉयल्टी को हिंदुस्तान में जो शब्द रॉयल्टी का शब्द लाए और इस रॉयल्टी शब्द को हिट किया, आज आरसीएम में कोई भी ज्वाइन करता है तो पहला सपना रॉयल्टी का देखता है। उस इस रॉयल्टी को हिट करने वाली शख्सियत श्रीमान बीसी छाबड़ा जी। आज आप जो भी ट्रेनिंग हिंदुस्तान में किसी भी लीडर की सुनते हैं, किसी भी लीडर की ट्रेनिंग सुनते हैं, जोश वाली मीटिंग सुनते हैं, उसमें जो भी एग्जाम्पल दिया जाता है, जो भी उसमें कोई मोटिवेशन के लिए कहानी बताई जाती है, वो कहानी या वो जोश वाला शब्द पहली बार श्री मुख से निकला, वो मुख श्रीमान बी सी छाबड़ा सरकार। हिंदुस्तान में आरसीएम को कच्छ से कन्याकुमारी तक पहुंचाया, हिंदुस्तान के कोने कोने में आरसीएम को पहुंचाया, जहां तक हिंदुस्तान की पोस्ट विभाग नहीं जाता, हिंदुस्तान की सेना नहीं जाती, उससे आगे तक जिस एक शख्सियत ने इस बिजनेस को पहुंचाया, मैंने उनको हजारों बार देखा है कि पूरे दिन में दो दो तीन तीन उनके सेमिनार, दो दो तीन तीन एक ही मीटिंग के सेशन, हर रात को 500 किलोमीटर चलते थे। जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अपनी तबीयत को नहीं सोचा, कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, इस आरसीएम को मिशन के तौर पे काम किया। जब कभी आरसीएम की कोई पहचान नहीं थी, तब उन्होंने 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाने का टारगेट लिया था, और ऐसे अनेकों टारगेट वो लेते गए, पूरे करते गए। पिछले 20 सालों में उन्होंने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने शरीर का, अपने बीवी बच्चों का कभी भी उन्होंने शायद नहीं सोचा। हर पल वो इस आरसीएम के लिए, आप लोगों की कामयाबी के लिए, आप लोगों की कामयाबी का रोडमैप बनाने के लिए, आज जिस रॉयल्टी को आप जानते हो, जिस टेक्निकल को आप जानते हो, जिस ट्रेनिंग को आप जानते हो, ये हिंदुस्तान में इतने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल, आपको लगता है कि महावीर सर का सफायर आया, जय नारायण जी का स्टार रूबी आया, या राजा राम सर का स्टार सफायर आया, या वत्स साहब का डायमंड आया, इन सारी पिनों के पीछे जिस महान शख्सियत का हाथ है, आज हमें उस महान शख्सियत को डायरेक्ट सुनने का मौका मिलेगा। उनके एक एक शब्द से हजारों लोगों की कामयाबियां मिली है, उनके एक एक शब्द से हजारों लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदला है। जिन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं करी, शरीर की परवाह नहीं करी, जब भी हम उनसे मिले उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ दिया। जिनको कभी भी मैंने देवता के रूप में नहीं देखा, हमेशा उनको देवता के रूप में देखा। हर पल उन्होंने लोगों को देने का प्रयास किया, हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदला, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को बदला, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को रचा। जिन्होंने लाखों करोड़ों एग्जाम्पल तैयार किए, करोड़ों लाखों रोडपतियों को करोड़पति बनाया, आज उस महान शख्सियत को हमें डायरेक्ट सुनने का मौका मिलता है। हम तो बोलना चाहेंगे कि आप सौभाग्यशाली हो कि उनके शब्दों को आपको सुनने का मौका मिलता है, मिलेगा। उनके एक एक शब्द से हजारों रॉयल्टियां, हजारों टेक्निकल निकले हैं, निकलेंगे। आज जो भी किस्से कहानी आपको सुनाई देती है, पहली बार वो उनके श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं। आज आपको बड़े बड़े लीडर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, उन सब के पीछे जिस मान शख्सियत का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा हाथ, जिन्होंने हजारों रातें इस सिस्टम में लगी है, हजारों दिन उन्होंने इस सिस्टम में लगाया है, अपने खून पसीने से इस सिस्टम को सींचा है और एक एक एग्जाम्पल तैयार किया है। आज उस महान शख्सियत को मुझे आपके सामने इनवाइट करने का मौका मिला है। मैं लकी हूं कि मुझे उस महान शख्सियत को आपके सामने बुलाने का मौका मिला है, जिन्होंने इस इतिहास को रचा है। आने वाली पीढ़ियां उन पे गर्व करेगी, लोग उनका एग्जाम्पल देंगे। उनके एक एक शब्द से हजारों कामयाबियां निकली है, हजारों कामयाबियां निकलेगी। मैं आपकी जबरदस्त तालियां, हू अल्ले और सीटियों के बीच में हम चाहेंगे सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे, और हम इनवाइट करने जा रहे हैं ऐसे एक इंसान, ऐसे एक देवता,
ऐसे एक रोल मॉडल जिन्होंने हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को बदला है, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को रचा है, लाखों करोड़ लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदला है। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करने जा रहे हैं श्रीमान गुरुओं के गुरु मां गुरु श्रीमान पीसी छाबड़ा सर को, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में। थैंक यू जयनारायण जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू अगेन एंड अगेन। आपके बहुत ही शानदार और जानदार और जबरदस्त और सुपर हिट इस अनुमोदन के लिए मैं बहुत 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 तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का प्रोग्राम तो नंबर वन होने ही वाला है, और जो भी साथी बैठे हैं मैं कहता हूँ कि अलर्ट हो जाएं, क्योंकि नंबर वन होने के हजार कारण हैं। एक तो पहली बात तो हिंदुस्तान की नंबर वन टीम का प्रोग्राम है, हिंदुस्तान के नंबर वन लीडर का सेलिब्रेशन है, हिंदुस्तान की नंबर वन प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, और हिंदुस्तान की नंबर वन ट्रेनर हमारे बीच में है, और सबसे बड़ी बात है वो टाइम भी हमने नंबर वन लिया है, 1 बजे का टाइम सेलेक्ट किया है। तो यानी सारे ही संयोग हमें नंबर वन की तरफ लेके जा रहे हैं, और आज के प्रोग्राम के रिजल्ट भी नंबर वन आने वाले हैं, और आप हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। देखो मैं बहुत ध्यान से आपको समझाना चाहता हूँ कि विश्व की तो मुझे पता नहीं, दुनिया के बारे में तो मेरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा लोकल पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी दूर दूर तक ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा सेटअप, इतने बड़े कारखाने, इतना बड़ा प्रोडक्शन टीम और इतना बड़ा प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की इकाइयां, अपनी उत्पादन की इकाइयां हो। और मैं समझता हूं कि जितना बड़ा सेटअप RCM का भीलवाड़ा में, गुवाहाटी में और उत्तराखंड में है और सबॉर्डिनेट्स है, उतना बड़ा सेटअप लगाने की दूसरी कंपनियां सोच भी नहीं सकती। दूसरा नंबर वन। नंबर दो, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डिलीवरी सिस्टम जिसमें डिपो की संख्या, मैं समझता हूँ कई प्राइवेट कंपनियों के पास भी इतना बड़ा डिपो सेटअप नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई कंपनी शायद सोच, होना तो दूर की बात है, सोचना भी मुश्किल है कि इतने डिपो किसी कंपनी के ऑल इंडिया लेवल पे हो सकते हैं, जिनकी संख्या की लगातार बढ़ती जा रही है। और डिलीवरी सिस्टम में हमारा जो वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक, PUC और डिस्प्ले वॉल का सिस्टम है, वो भी हम नंबर वन है, और प्रोडक्ट के मामले में नमक और आटे जैसा, मतलब प्रोडक्ट के मामले में हम नंबर वन है, वैल्यूज के मामले में हम नंबर वन है, और लीडर्स के मामले में हम नंबर वन है, कमिटेड लीडर। आप देख रहे हैं कि जयनारायण जी 18.5 साल से एक सिस्टम के साथ हैं। अरे अमेरिका में तो लोग अपनी पत्नी के साथ 18 साल नहीं रहते हैं, हम बिजनेस के साथ में 18 साल से कमिटेड है। मतलब हमारे पास एक कमिटेड लीडरशिप है, डेडिकेटेड लीडरशिप है, जो इस बिजनेस को अपने मतलब जीवन का हिस्सा मान चुकी है। और आज महावीर जी जैसे मतलब ऐसे लीडर हैं जिनकी बात मैं करूंगा, लेकिन आप सब साथियों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप हर मामले में नंबर वन के साथ हैं। बस ध्यान से समझना है मेरी बात को, एक गरीब पैदा होना गुना नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुना है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है और आपका रोल है। अरे जब RCM जैसा मजबूत सिस्टम, RCM जितनी सारी मजबूत प्रणाली, पूरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम, अप्लाई लीडरशिप सिस्टम, मतलब आपके पास एक एक चीज नंबर वन हो, और ऐसी नंबर वन चीज के साये में अगर आप गरीबी की जिंदगी जीते हैं तो ये शायद आटे और नमक जैसी चीज से कैरियर बनाने का मौका, और वो भी कोरोना जैसे भयंकर संकट में एक इंसान को क्या चाहिए। कोरोना ने समझा दिया इंसान को सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो इनकम चाहिए और एक सामान चाहिए, और RCM दोनों चीजें देता है, सामान भी भरपूर देता है और सामानों में से इनकम भी भरपूर देता है। तो आपने पूरी दुनिया में जहां पर सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, सब बड़े बड़े हाउसेस, सबको तकलीफ आ रही है, लेकिन RCM लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब से कोरोना आया तब से बढ़ता जा रहा है। तो हम सब कुछ बहुत बेहतर उमदा पोजिशन में, बस एक चीज की डिमांड में करता हूं,
जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, कामयाबी के सारे दिन उनके अपने हैं। छोटी छोटी आंखों में कामयाबी के बड़े बड़े सपने हैं, तो कामयाबी के सारे दिन उनके अपने हैं। और मैंने बहुत मीटिंगों में एक बात कही है, फिजिकल मीटिंगों में कही है कि दाल रोटी खाना और ऊपर जाना तो दोबारा यहाँ मत आना। अगर बड़े सपने जिंदगी में है तो यहाँ बार बार आना, सपने पूरे करवाना, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें हम आज करेंगे, लेकिन आज एक नंबर वन लीडर का सेलिब्रेशन है, एक ऐसे जांबाज लीडर का सेलिब्रेशन है, हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, जिसके उपस्थिति से प्रोग्राम के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी हो जाती, बल्कि सुपर डुपर से भी ऊपर होने की गारंटी हो जाती है। और हमारी कोर टीम में भी वो सबसे चहेते लीडर है, भले ही वो मतलब कोर टीम में युवा लीडर है, और उनकी जो मतलब एनर्जी का लेवल है, बिल्कुल मैं उनकी एनर्जी का कायल हूँ, और उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, और कामयाबी की दुनिया में वो मैं समझता हूँ कि आज जिस लेवल की ऊर्जा उनके पास है, अभी उनके पास जो सफायर की पिन आई है, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सफायर की पास उनके पास जो आई है उसको वो डिजर्व करते हैं, बल्कि सफायर की उनको सफायर की पिन का इंतजार नहीं था, सफायर की पिन को उनके पास आने का इंतजार था। जैसे किसी रिश्ते में लड़का लड़की आपस में रिश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं ना, वैसे ही सफायर की पिन इंतजार कर रही थी कि कब महावीर जी की जिंदगी में जाने का मुझे मौका मिले। और ऐसी शानदार पिन के लिए सबसे पहले हम महावीर जी का ही मैसेज लेंगे। और बिल्कुल, क्योंकि आज की जो दिन है, आज का जो दिन है, ये जो 1 बजे का जो समय है, ये महावीर आज का दिन जश्न का दिन है, तो महावीर जी का सेलिब्रेशन का दिन है, तो मैं मिस्टर महावीर सारण को इनवाइट करूंगा कि वो आकर अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ईशा मैडम, बीसी सर, तमाम लीडर्स, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, आपका प्यार, आपका प्रेम है, और ये सब गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का दिशा निर्देश है। ये जब जब कुछ नया विचारधारा लेके आते हैं, तब तब हिंदुस्तान में कुछ नए रिकॉर्ड बनते हैं। और मैं तमाम लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम तो वो जमीन में दबे हुए कोयले थे, जिन पे दबाव डाल के, जिनको संघर्ष और त्रास के बड़े गोल देके जो डिजाइन तैयार किया है, वो आदरणीय हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब हमने बिजनेस को शुरू किया था और पहली ट्रेनिंग बीसी छाबड़ा जी की मैं और जय सर ने अटेंड की थी, 21 सीक्रेट ऑफ सक्सेस लखनऊ के अंदर अंबर होटल में, रात को 2 बजे हम बीसी जी से मिलने गए थे, और बीसी जी ने डायरेक्ट एक सवाल पूछा था कि बेटा जिंदगी में क्या करना चाहते हो, गोल क्या है। तो हमने कहा सर पैसा कमाना है, तो बीसी जी ने कहा पैसा कोई गोल थोड़ी होता है, पैसा तो गोल अचीव करने के काम में आता है, करना क्या चाहते हो। तो कुछ भी समझ में नहीं आया, हमने कहा गुरुदेव 13,000 रुपए की इनकम है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बीसी जी ने पहली बार मुझे बताया था गोल का पावर क्या होता है, ड्रीम की पावर क्या होता है, सपने की पावर क्या होता है। और रात के 2 बजे मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था एक ड्रीम बनाओ, सपना बनाओ और मुझे लिख के लाके दो। तो मेरे एक अमीर दोस्त का मकान देखा था मैंने, और मेरे मम्मी पापा और ये गांव में कच्चे मकान में रहते थे, तो मैंने एक ड्रीम बनाया था कि माँ बाप के लिए एक बढ़िया मकान बनाऊंगा। और रात के 3 बजे वो मकान का कच्चा पक्का नक्शा मेरी डायरी पे बना के बीसी जी के पास लेके गया, और बीसी जी ने देख के उसको कहा इस पे डेट डालो कब पूरा करना है। मैंने कहा सर इसकी कीमत होगी लगभग 25-30 लाख, और अभी मेरी इनकम तो 13,000 रुपए है, कैसे पूरा हो सकता है। तो बीसी जी ने कहा नहीं इस पे डेट डालो तुम, और मैंने डेट डाली थी, मुझे आज भी याद है ऐसा मैडम, 9 मार्च 2005 की मैंने डेट डाली थी, उस समय मेरी 13,000 रुपए की इनकम थी। और बीसी जी ने कहा इस जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो ना, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, इस दुनिया में फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है, तुम क्या कीमत दे सकते हो। तो हमने कहा सर हम दूध और केले खाते हैं ज्यादातर, क्या कीमत दें आप बताओ। तो उन्होंने कहा जब तक दूध और केला नहीं खाएंगे लिखो डायरी में, तब तक ये ड्रीम पूरा नहीं हो जाएगा। तो हमने कहा सर हम खाएंगे क्या, हम तो वेजिटेरियन आदमी है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम है, क्या खाओगे मुझे नहीं पता, पर लिखो डायरी में कि जब तक नहीं खाओगे जब तक ये ड्रीम पूरा नहीं होगा। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि वो ड्रीम हमने लिया, ड्रीम पे हमने काम किया, जीवन को बड़े जीरो से हमने यहाँ जिस लेवल पे भी आ जाए वहां तक पहुंचते हुए हमने देखा। इस तमाम जर्नी के अंदर मैं कुछ स्लाइडें थोड़े से दिखाना चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा सर कि जीवन कैसे बदलता है, आरसीएम बिजनेस जीवन में कैसे बदलाव लाता है, और जीवन कैसे रूपांतरित करता है आरसीएम बिजनेस
बिजनेस नहीं, ये जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है, ये जीवन की एक यात्रा है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी? हाँ हो रही है। यस सर, यस सर। सर स्क्रीन पे जो पतला सा लड़का दिखाई दे रहा है सर, ये आरसीएम बिजनेस जब ज्वाइन किया था तो आज आप जिस महावीर सारंग को जानते हो ये वही लड़का है सर जिसने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, तो ऐसा दिखता था। बहुत सारे लोगों को अलग अलग लगता है सर कि ये पहले पता नहीं पैसे वाले होंगे, पहले इनकी जानकारी बड़ी होगी, यहाँ से जीवन को शुरू किया था सर। और ये मेरा गांव है सर, ये मेरी मम्मी है जो अभी दुनिया में नहीं है सर, और जिस चारपाई पे बैठी है उसको ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ से टूटी हुई भी दिखाई दे रही होगी सर। पीछे मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा है, और पीछे बाइक खड़ा है सर टीवीएस का। 7,000 रुपए की जब मेरी इनकम आई थी तब मैंने पहला ये छोटा सा ड्रीम पूरा किया था। 7,209 रुपए की इनकम आई थी तब मैंने ये बाइक खरीदा था। 1500 रुपए इसकी किस्त आती थी, और सपना था कि मम्मी पापा के लिए कुछ बड़ा करना है। बीसी जी ने हमें मोटिवेट किया कि क्यों करना चाहते हो आरसीएम बिजनेस, ड्रीम लिखो, ड्रीम की लिस्ट बड़ी बनाओ। और मैं धन्यवाद और पूरा श्रेय बीसी छाबड़ा जी और राजाराम सर को देना चाहता हूं, मेरे जीवन के ये दो रोल मॉडल है। अगर शायद ये नहीं होते तो शायद इस जीवन में ये जो भी उपलब्धियां हैं मैं जनरेट नहीं कर पाता, और यहां से फिर धीरे धीरे ये बेड बदला। जिस मकान में रहते थे इस तरह का कच्चा मकान था सर, जब मैंने ड्रीम लिया था, सपना लिया था, गोल बनाया था, इस तरह का कच्चा मकान था। मेरे पापा और ये चार भाई हैं, तीन भाइयों के पक्के मकान थे और हमारा ये कच्चा मकान होता था। तो पहला ड्रीम था 9 मार्च 2005 को इस मकान को बनाना है। लगातार प्रयास किया, एक साल तक दूध और केले नहीं खाए। बीसी जी ने जो बताया वो लगातार करते गए और धीरे धीरे इनकम बढ़ी। 50,000 रुपए की इनकम आई, 80,000 रुपए की जब इनकम आई तब गांव में हमने ईंटे डलाना चालू किया। लोग हमें पागल बोलते थे, गधा बोलते थे, और हमने नक्शा भी बना लिया था कि कैसा मकान बनाना है, और लगातार प्रयास किया। और 2005 में 9 मार्च 2005 को ये मकान बनके तैयार हुआ, और इसी मकान का उद्घाटन आदरणीय बीसी छाबड़ा जी ने किया था। उसी दिन दूसरा टारगेट लिया था कि गांव की सबसे महंगी गाड़ी लाएंगे, स्कॉर्पियो गाड़ी, 9 मार्च 2006 को हम लेके आए। और ये ड्रीम की पावर है सर, ये मेरी पहली कंपनी विजिट थी सर, पहली बार जिंदगी में देखा था कपड़ा कैसे बनता है। मेरा दूसरा मैसेज है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस हो जाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सोच है उस सोच में अपनी सोच को शामिल कर लो तो आप बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं। पहली मेरी विजिट थी और पहली मेरी मुलाकात आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के साथ थी। जब कंपनी में मैं पहली बार गया तो इस तरह से टीसी छाबड़ा जी के साथ ये मेरी पहली मुलाकात थी, और ये मेरा पहला स्टेज का प्रोग्राम था। पहली बार स्टेज पे माइक पकड़ा था सर, शादी वाला कोट पैंट पहन के, और ये मेरी पहली स्टेज पे, बड़े स्टेज पे प्रोग्राम था जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, स्टेज पे जाने का मुझे मौका मिला, मेरे से मैसेज लिया गया और मुझे एक छोटा सा ट्रॉफी दिया गया, लकड़ी का, 20 रुपए का। मैं ये बताना चाहता हूँ सर, वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है उसकी कीमत क्या थी, इम्पोर्टेंट ये है उस 20 रुपए के लकड़ी के ट्रॉफी ने मेरे अंदर एक गांव के लड़के से एक नेशनल लीडर बनने का विश्वास जगा दिया कि इंसान जो सोच सकता है उसको हासिल कर सकता है। 200 लोग लगभग इस प्रोग्राम में रहे होंगे, 200-250 लोग, उन लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। और उन 250 लोगों के बीच में से जब मैं स्टेज पे गया, मुझे पहले बार ये बिलीव हुआ कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूँ, जिंदगी में कुछ बड़े अचीवमेंट पे जा सकता हूँ। और इसी प्रोग्राम में बताया गया था कि एक बड़ा प्रोग्राम अगर आप अपने इलाके में करते हो तो ये आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। हम लोगों ने लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में 33 गाड़ियों से एक रैली निकाली, उस पे बीसी जी की फोटो लगाई, पीछे हमने डीजे डांस लगाया, छाबड़ा जी तूने कमाल कर दिया, सारे हिंदुस्तान में धमाल कर दिया, और पूरे हिंदुस्तान को बताया कि बीसी छाबड़ा यानी भागचंद छाबड़ा नाम का एक व्यक्ति आ रहा है श्री गंगानगर में, उसको जो सुन लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। और मुझे लग रहा है सर कंपनी लेवल पे वो सबसे बड़ा प्रोग्राम था। 50 रुपए की टिकट थी और 12,000 से ज्यादा हम लोगों ने टिकटें उस प्रोग्राम में काटी थी। और उस एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, एक आपके इलाके में बड़ा प्रोग्राम आपके बिजनेस और आपके पिनों की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इस एक बड़े प्रोग्राम से हमारी टीम में 65 नई रॉयल्टियां निकली थी सर, और मैं पर्ल के लेवल से डायरेक्ट सर रूबी के लेवल तक का सफर तय किया था सर। ये गांव में पहली मारुति अटेंडेड गाड़ी हमने खरीदी थी सर, और ये पहली बार मैंने स्टेज शेयर किया था टीसी छाबड़ा जी के साथ। पहली बार मैं स्टेज पे गया था, बड़ा एक्साइटमेंट था, बड़ा जोश था, बड़ा जुनून था। और इस स्टेज पे जाने के बाद मैंने गोल बनाया, टारगेट बनाया, लक्ष्य बना के काम किया। फिर धीरे धीरे मेरी मीटिंगें शुरू हुई, और ये मेरी पहली मीटिंग थी रायपुर के अंदर सर, जिस मीटिंग में लगभग 750 के लगभग लोग थे, और इस मीटिंग से 250-300 ज्वाइनिंग निकली। पूरे हिंदुस्तान में मेरे अंदर एक भरोसा बना, एक बिलीव लेवल तैयार हुआ कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं। एक बड़ा प्रोग्राम आपके अंदर और आपकी टीम के अंदर नई जोश और क्रांति ला सकता है, ये मैंने महसूस किया। उसके बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पे मुझे फूल मालाएं मिलती गई, मेरा रूप, रंग, व्यवहार सब बदलता गया, लीडर्स की नई फौज तैयार होती गई। और मेरा ऐसा मानना है सर,
आप अकेले कितने भी पैसे वाले हो सकते हो, जानकारी वाले हो सकते हो, अगर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो टीम का निर्माण करिए, टीम आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगी। मैंने तमाम लोगों को कंपनी से जोड़ने का प्रयास किया, पीसीजी से जोड़ने का प्रयास किया, सिस्टम से जोड़ने का प्रयास किया, और मुझे लग रहा है वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। मैं लोगों का निर्माण करता गया, टीम लीडर्स का निर्माण होता गया। पहले कंपनी के पीछे खड़े रहते थे, जब टारगेट अचीव करते गए, लोगों का निर्माण करते गए, तो कंपनी के मालिक का हाथ पकड़ने का मौका मिला, सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला, उनको सम्मान देने का मौका मिला। और मेरे जितने भी अपलायंस है उन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, मुझे मंच दिया हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा, जहां पे मैं बड़ी कामयाबी पे जा सकता हूं। और धीरे धीरे रंग रूप बदलता गया सर, ऐसा बदलाव मेरे बड़े भाई के जीवन में हुआ, आदरणीय राजा राम सारण जी जो मेरे गुरु हैं, मेरे बिजनेस के लाइफ मेंटर हैं, मेरे जीवन की बड़ी शख्सियत है जिनको मैं लगातार फॉलो करता हूं। यहां से उन्होंने अपने सफर को शुरू किया, अपने आप को धीरे धीरे बदलते गए, बिजनेस के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को बदलते गए। और मैं उनके उनके अंदर आते हुए बदलाव को देख रहा था। वो पहले जर्दा लगाते थे, वो बीड़ी पीते थे, शराब सिगरेट पीते थे, है ना। उन्होंने अपने धीरे धीरे फ्रेंड सर्किल को बदला, किताबों पढ़ने को अपना साथी बनाया, उन्होंने एजुकेशन लेना शुरू किया, सीखना शुरू किया, नॉलेज गेन शुरू किया। हिंदुस्तान के हर कोने में वो टूर करते थे। उस समय हमारे पास कोई ज्यादा व्हीकल नहीं होते थे, गाँव से जाते थे, रात के 4 बजे उठते थे सर्दियों में, और पैदल लगभग 5 किलोमीटर जाके 3-3 दिन का सफर करके वो आसाम में बिजनेस करते थे। वो हमें मोटिवेट करते थे कि जीवन में जब भी आप बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए निकलोगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। लोकल की मिट्टी आपको रोजी रोटी देती है, बाहर की मिट्टी आपको किस्मत देती है। इसीलिए जिस इलाके में आप पैदा हुए हो ना, इससे 100 किलोमीटर के दायरे में आप पहले अपना नेटवर्क बिल्ड करो, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकलो। अगर आप बाइक पे सफर करते हो, कार पे सफर करते हो, बस पे सफर करते हो और शाम को घर आ जाते हो तो छोटा टेक्निकल आएगा। जिस दिन ट्रेन का सफर करोगे और घर से 500 किलोमीटर दूरी की जर्नी करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको बड़े टेक्निकल के दर्शन होंगे। धीरे धीरे रूप बदलता गया, मैं इनका इनके लेवल को चेंज होता हुआ देखता गया, इनकी पर्सनैलिटी को बदलते हुए देखता गया, इनके विचारों को बदलते हुए देखता गया। और मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस कंप्लीट लाइफस्टाइल है जो आपके पूरे जीवन को बदलता है। जिस मकान को बनाया उसके पास एक गाड़ी आई, फिर 2 गाड़ी आई, फिर 3 गाड़ी, फिर 4 गाड़ी, फिर 5 गाड़ी। अभी मेरी फैमिली 10 गाड़ियां मेंटेन करती है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं इस तरह के मकान में। और मुझे लग रहा है सर अभी तो फिल्म शुरू हुई है सर, अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सफलता बताई जाती है वो चालू ही नहीं हुई है। मुझे लग रहा है ये जो इनकम आ रही है ना, ये छुट्टा पैसा है। अभी बीसीजी बता रहे थे कि कंपनी की तैयारियां बहुत बड़ी है इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां माइनस में जा रही है, आज प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट माइनस में जा रहा है, लोगों की नौकरियां छिन रही है। ऐसे काल में दिन दुगनी रात चुगनी अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है 5 काम किसी भी इंसान को करने चाहिए बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए। नंबर 1, पहला काम करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना। अगर आप एक इंडिविजुअल आदमी को देखो तो 5 काम करने चाहिए बड़े लेवल पे जाने के लिए। नंबर 1, पहला ज्वाइन करना। नंबर 2, दूसरा आरसीएम के 100% प्रोडक्टों को यूज करना और 100% प्रोडक्टों को रिटेल करना, शेयर करना। नंबर 3, इस ऑर्गेनाइजेशन को नई टेक्नोलॉजी है, नया व्यापार है, व्यापार की नई तकनीक है, भविष्य का बिजनेस है, इसीलिए इसको सीखने पे फोकस करिए। आपकी अपलाइन कंपनी, इस तरह की जूम मीटिंग, किताबें, जहां भी मौका मिले लर्निंग मोड में आ जाइए। जितनी जल्दी लर्निंग मोड में आ जाएंगे उतनी जल्दी अर्निंग मोड में आ जाएंगे। सीखना शुरू, जीतना शुरू, इसको सीखिए सर, ये सीखने की इंडस्ट्री है। तीसरा काम और चौथा काम, आप अपने नेटवर्क का निर्माण करिए। आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा, मेरा नेटवर्क मेरे को अमीर बनाएगा। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो आपको अमीरी आपके घर में लेके आएगा। आप खुद अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाएं, नेटवर्क बढ़ाएं, ज्वाइनिंग की रफ्तार बढ़ाएं। पूरे हिंदुस्तान में अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में आपके रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर होने चाहिए। चौथा काम नेटवर्क बनाएं। और 5वां काम, आप जीवन का गोल बनाएं, लक्ष्य बनाएं, टारगेट लेके काम करें सर। मैं पिछले 20 सालों से टारगेट लेके काम करता हूं, लक्ष्य बना के काम करता हूं, छोटे छोटे गोल बना के काम करता हूं। आप भी लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए, टारगेट लेके काम करिए। कंपनी जिस दिशा में प्रयास कर रही है उस दिशा में वर्किंग करिए। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, इस कोरोना काल में मार्च में जो आरसीएम बिजनेस ने पिने निकाली है, सारी कंपनियां एमएलएम की इंडस्ट्री की अगर जोड़ दे और उन सारी पिनों को एक तरफ कर दे और आरसीएम की पिनों को एक तरफ कर दे, तो मुझे लग रहा है न केवल हिंदुस्तान बल्कि ब्रह्मांड की, इस विश्व की सबसे पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर कोई है तो उसका नाम आरसीएम बिजनेस है। उसके प्रोडक्ट की अगर तुलना करें तो मार्केट के किसी प्रोडक्ट से नहीं हो सकता। नेटवर्किंग के सारे प्रोडक्टों को एक तरफ कर दिया जाए और मुझे लग रहा है गामा ओरिजिनल को एक तरफ कर दिया जाए तो अकेला गामा ओरिजिनल जो अमृत है सारे प्रोडक्टों को बीट कर सकता है। ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है,
हमारे पास लीडर्स की एक फौज है। मैं तमाम कोर टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, एजुकेशन के चैनल तैयार करे हैं, सेलिब्रेशन के चैनल तैयार किए हैं। मैं पूरी कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट को, सारे ब्रांड पार्टनर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान के उन पावरफुल लीडर्स को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सिखाया। और मेरे को लगता है सीखना कोई जरूरी नहीं है कि आपकी अपलाइन समझदार हो, सर इस बिजनेस में डाउनलाइन से भी सीखिए, क्रॉसलाइन से भी सीखिए, जहां मौका मिले। मैंने ईसा जी से बहुत सारी चीजें सीखी है, मैंने हिंदुस्तान के हर ब्रांड पार्टनर से बहुत सारी चीजें सीखी है, मिलिंद सर से गोल बनाना सीखा है ना, मनीषा जी से मैंने सीखा है अगर आप किसी गोल पे फोकस हो जाते हो तो बड़ा काम कर सकते हो। और मुझे लग रहा है सर जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाना है ना तो अपने जीवन के एक या दो रोल मॉडल पकड़िए और उनको समर्पित हो जाइए। रामायण के अंदर भी अपलाइन थे श्री राम और डाउनलाइन में हनुमान थे। राम जब भी कोई बात बोलते हनुमान केवल एक बार बोलते थे यस सर इतिहास गवाह है सर। राम का मंदिर मिले नहीं मिले, हनुमान का मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेगा। उसी तरह से महाभारत में अपलाइन श्री कृष्ण थे, डाउनलाइन में अर्जुन थे। श्री कृष्ण जब भी कोई बात बोलते अर्जुन इफ एंड बट लगाते थे, आज अर्जुन का मंदिर मिले या नहीं मिले श्री कृष्ण के मंदिर हर जगह मिलेंगे। एक बढ़िया फॉलोवर ही भविष्य का बढ़िया लीडर बन सकता है। तो अपने जीवन के अच्छे रोल मॉडल पकड़िए, मेरे जीवन में जो भी कामयाबी है, मेरे जीवन की जो भी एजुकेशन है, मेरे जीवन का जो भी नॉलेज है वो मैं पूरा समर्पित करता हूं बीसी जी और राजा राम जी जिनसे मैं सीख रहा हूं लगातार। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे कुछ टीम लीडर्स का जिनमें जयनारायण सर हो गए, दीनानाथ जी हो गए, आर के झा सर हो गए, दिनेश जी हो गए, रूप राम जी हो गए, राधेश्याम जी हो गए। ये मेरे तमाम लीडर्स हैं जिनमें जिनसे मैं रोज सीखता हूं और मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसी लीडरशिप के साथ काम करता हूं। और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं हिंदुस्तान के सबसे मजबूत लीडर्स के साथ काम करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वत्स साहब का, श्रीचंद अत्री जी का, रवि जी का, विजेंद्र जी का, मुकेश कोठारी जी का, केसी छाबड़ा जी का, तमाम कोर टीम का जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। और मैं माइक वापस हैंड ओवर करना चाहता हूं मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान बीसी छाबड़ा जी जिन्होंने मुझे मौका दिया। आज का ये प्रोग्राम है ये भी उन्होंने डिजाइन किया है। एक अच्छा गुरु जानता है शिष्य को कब कब प्रमोट करना चाहिए। पिछले 20 सालों के दौरान मुझे जब जब कोई तकलीफ और समस्या आई बीसी जी ने मुझे मोटिवेट किया, बीसी जी ने मुझे आगे बढ़ाया। गुरुदेव आपको प्रणाम और धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू महाराज जी, बिल्कुल आप जहाँ होते हैं वहां समा बांध देते हैं। और आप में जो निखार आया है वो कहते हैं कुछ लोग जब दबाव पड़ते हैं तो बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, तो आप उन निखरने वालों में से हो और बिल्कुल इसी तरह से निखरते जाओ और पूरे हिंदुस्तान में अपनी आभा बिखेरते जाओ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में व्हाट्सएप भी है, राजाराम जी भी हैं, हां मैं सत्री जी भी है सर। हां मैं चाहूंगा कि सभी लीडर अपना अपना आशीर्वाद देंगे तो प्लीज आज के इस शानदार सेलिब्रेशन में तो जो भी अवेलेबल है सुरेंद्र सर है सर, सुरेंद्र वत्सर है सर, हां वत्सर है सर, अत्री जी है सर, राजाराम जी आपको ले लीजिए, वत्सा है, राजाराम जी है, मुकेश जी है, अत्री जी है सर, रवि जी है, अपने ये विजेंद्र जी है, जो भी अवेलेबल है। यस सर, अगर इजाजत हो तो मैं सुरेंद्र वत्स उपस्थित हूँ सर। हाँ बिल्कुल सर, इजाजत नहीं सर, ये तो आपकी कृपा है कि आप इस शानदार अवेलेबल है, ये प्रोग्राम की कृपा है। आप मैं सर कहीं ट्रेवलिंग में था सर, सर मैं ट्रेवलिंग में था, महावीर जी का मुझे मैसेज दिया, दिखाई दिया, तो मैं वहीं पे सारे कामों को मैं साइड में करके जैसे ही मैंने कोशिश किया एंटर करने की, तो जैसे आपने कहा कि महावीर जी का प्रोग्राम है तो उसमें 4-5 हजार लोग तो होने ही चाहिए, तो मैं जूम में तो अटेंड नहीं कर पाया लेकिन यूट्यूब पे मैं पूरा प्रोग्राम अटेंड कर पा रहा था और बड़ी मुश्किल से मैं जूम में एंट्री ले पाया हूँ। बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है सर, मैं तो बिल्कुल खो गया हूँ इस प्रोग्राम में। जयनारायण जी ने जिस प्रकार इस प्रोग्राम की शुरुआत की और उनका जो जोश, जो एनर्जी लेवल, और मैंने उनमें बीसी सर का रूप देखा, बीसी सर जिस प्रकार से हम लोगों को प्रमोट करके बुलाते थे और जयनारायण जी का ये प्रमोशन का रूप देख के पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये सुकून मिला, बीसी सर को भी ये सुकून और खुशी मिली होगी कि आरसीएम बिजनेस सुरक्षित हाथों में जा रहा है, उन हाथों में जा रहा है जहां से ये और ऊंचाइयों पे जाएगा, तो वो बेहतरीन अंदाज जनायन जी का देख के पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। महावीर सारंग जी हमारे एक जिम्मेवार साथी हैं, महावीर जी की प्रेजेंस कोर में हमेशा रहती है। मुझे अच्छे से याद है एक वाकया, जब मैं जीन में केवल ऑपरेटर था और उस समय थोड़ा पत्रकारिता का मैं काम करता था और एक बार उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे
माननीय ओम प्रकाश जी चौटाला, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी लेकिन एक व्यक्ति उसमें उपस्थित नहीं थे और उन्होंने पूछा ओम प्रकाश चौटाला ने कि वो फला व्यक्ति नहीं है, तो बोले जी वो आने वाले हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट वेट करते हैं, वो आ जाएंगे, फिर हम लोग ये कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि लोग आपका इंतजार करें, और महावीर सारण जी की वो उपस्थिति है कोर में, जब तक वो नहीं आते हैं तो मीटिंग शुरू नहीं होती है, और वो इसलिए हो पाया, उन्होंने जिम्मेवारी ली। महावीर जी से हम लोग ये ले सकते हैं कि जब भी आप आगे बढ़ के जिम्मेवारी लेंगे तो उसके आपको एडवांटेज मिलेंगे, और महावीर जी का विशेष प्रेम है। हर व्यक्ति से कोई ना कोई नाराज रहता है लेकिन महावीर जी में ऐसी कला है कि कोई उनसे नाराज नहीं रह पाता। उनकी एनर्जी, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका काम करने का तरीका, वो सारे के सारे गुण उनके अंदर में है जो एक महान लीडर के लिए होने चाहिए, और ये पूरी की पूरी टीम बहुत सौभाग्यशाली है कि उनको महावीर जी का डायरेक्शन, क्लोज डायरेक्शन उनको मिल रहा है। और राजा राम जी सारण जो मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा रहे और मैंने बहुत कुछ सीखा। बीसी सर हमेशा ये कहते थे कि भाई राजा राम जी का इतना बड़ा बिजनेस है, उनकी तरह बिजनेस करो, राजा राम सारण जी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं, आप भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाओ, राजा राम जी का बिजनेस आसाम में है, आप भी घर से बाहर निकलो। तो बीसी सर ने राजा राम जी को एग्जाम्पल दे दे के हम सब लोगों को मोटिवेट किया, और रायपुर का, रायसिंह नगर का वो प्रोग्राम मुझे याद है, बीसी सर को भी वो निश्चित रूप से याद होगा, जिसमें राजा राम सारण जी ने कार खरीदी थी और एक रेबन का चश्मा बीसी सर ने राजा राम जी को दिया था। देखिए मैं नए साथियों को एक चीज कहना चाहता हूँ, आप सबको ये लगेगा कि ये जो सीनियर लीडर्स हैं शायद इनको बहुत कुछ नहीं करना पड़ा होगा और सारी चीजें इनको ऐसे ही मिल गई होंगी। वो जो प्रोग्राम रायसिंह नगर का जब मैं देखने के लिए गया, उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मेरे पास में जेब में बहुत ज्यादा पैसे नहीं रहते थे, और मेरे एक मित्र हैं ज्ञानचंद सैनी जो केबल ऑपरेटर में हमारे साथी हैं, तो उनका रेलवे में पास बना हुआ था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ज्ञान भाई अगर आप साथ में चलोगे तो यार मेरा रेल में किराया नहीं लगेगा आने जाने का, तो सिर्फ मैं उनको इसलिए साथ में लेके गया कि मुझे ट्रेन में किराया नहीं देना पड़े। तो वैसी स्थिति में हम सब लोगों ने काम किया और वो मैंने एक बड़ा प्रोग्राम देखा रायसिंह नगर का, ओपन प्रोग्राम जिसमें खूब सारी भीड़ थी, अचीवमेंट थी राजा राम जी की, मारुति 800 ने बहुत मोटिवेट किया, मेरे पास बजाज चेतक स्कूटर होता था उन दिनों में, और राजा राम सारण जी आज बहुत खुश होंगे इस चीज को लेके कि आज इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी अचीवमेंट इस पूरी टीम में है। और बीसी सर आपने जो आरसीएम बिजनेस को दिया उससे बड़ा आपने जो मानवता को दिया सर, वो बहुत बड़ी चीज आपने दी है सर, हम जैसे लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल है सर, आप हर दृष्टि में लीडर हैं सर, हर दृष्टि से आपने एग्जाम्पल पेश किए, चाहे वो काम करने के तरीके की बात हो, मेहनत की बात हो, लोगों से रिलेशन बिल्डअप की बातचीत हो, और आपका हर काम हमेशा हम सब लोगों को प्रेरित करता है सर। आज बेहतरीन मौका है, और भी बहुत सारे साथी हैं, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ इस कामयाबी पे जो महावीर सारण जी ने एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, फाउंडर सफायर एक कितना बड़ा लेवल, जो पिछले कितना अक्टूबर 2009 के बाद में कोई फाउंडर सफायर हमारे बिजनेस में नहीं आए थे, तो वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है महावीर सारण जी जो आपने स्थापित किया। जयनारायण जी आरसीएम की कोर टीम का हिस्सा बने हैं, हम और ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं जयनारायण जी की इस उपलब्धि से, और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। राधेश्याम सुतार की मैं बातचीत करूं तो वो एक रूबी और बहुत जिम्मेवारी साथी हैं, मनोज बजाज जी को मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन पे, तो बड़े बड़े लीडर्स हैं इस टीम में जो इस टीम की शान है। तो आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बधाई, और जैसा बीसी सर ने हम सब लोगों को सिखाया है कि अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए और सेलिब्रेशन के बाद में अगला टारगेट सेट कर लीजिए, तो अगला टारगेट आप सेट कर लीजिए, दिल की गहराई से पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं राजा राम जी से निवेदन करूंगा कि उनका आशीर्वाद तो आज जरूर मिलना ही चाहिए। तो नमस्कार जय आरसीएम। हाँ सबसे पहले तो आपका जो व्यक्तित्व है वो हर टीम के अंदर हर जगह नजर आ रहा है, आपका एक एक स्लोगन याद है, विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आ जाती है, और विश्वास करते गए चीजें बढ़ती गई। महावीर के अंदर जो ताकत है काम करने की, प्लानिंग को लेकर के, चाहे वो टीम के साथ देने को लेकर के, वो अलग ही है। इस समय हम देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान के सभी साथी जितने भी मुझे सुन रहे हैं,
मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आ जाती है। लीडर वो है जो औरों से पहले और औरों से दूर तक अपनी सफलता को देख ले। ये छोटी छोटी कामयाबी अगर आप रेगुलर लेते रहते हैं, यहाँ मैं कई बार सोचता हूँ कि कोई आदमी जिंदगी के अंदर चाहता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, कामयाबी कैसे मिले। मगर जितनी आसान तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आरसी में जो कामयाबी मिल रही है, मार्च महीने में मैंने देखा है, कुछ लोग कहते थे सर कैसे होगा, वो लोग आज बिजनेस पे मंच के ऊपर परल ऐसे मुकाम पर मैंने उनको देखा एक एक साल के अंदर, दो दो साल के अंदर। तो इससे आसान और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। बस मन के अंदर नैतिकता के साथ में ये जज्बा होना चाहिए कि कर भला तो हो भला। बहुत सारे साथी कामयाब होने के लिए तैयार बैठे हैं। जितने भी नए साथियों को मैं देख रहा हूं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बस अपने ऊपर भरोसा करें और अपनी टीम पर भरोसा करें। नैतिकता और ईमानदारी के साथ में अगर आप काम करते हैं तो जिंदगी के अंदर कभी भी कोई भी बात आपको रोक नहीं सकती है। कितना भी बड़ा लेवल हो आप अचीव कर सकते हैं। आदरणीय श्री बीसी जी का मैं इस जीवन में ऋणी रहूंगा कि जो कमियां थी, मैं बड़ा सार्वजनिक रूप से बताना चाहूंगा कि राजश्री नगर के अंदर जब आप मीटिंग लेने के लिए आए थे तो मैं एक पेस्टिसाइड कंपनी में था और आपने बोला कि मीटिंग कहाँ करोगे, कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, तब मैं सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा आराम से बैठो आ जाएंगे लोग। मैं आज भी बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि क्या था मैं, एक काला कोयले से भी बेकार माहौल में था और एक संगत में आने के बाद में एक डायमंड बना दिया आपने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को आपने बदला है, आपके वाक्यों ने बदला है, आपकी सोच ने बदला है, आपके टारगेट ने बदला है। और ऐसे व्यक्तित्व मेरे ख्याल के अंदर हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में बीसी छाबड़ा जी जैसे लोग आते हैं। हजारों रातें मैंने इनके साथ में सफर में बिताई है। एक दिन मैंने बोला कि आसाम में बिजनेस नहीं खड़ा हो रहा है, क्या करें, तो आपने बोला कि डायरी निकालो और मुझे 117 नए आइडियाज दिए थे। मैं आज भी वो डायरी देखता हूँ, उसमें बहुत सारे आइडियाज मुझे काम आते हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जितने भी सीनियर साथी हैं, वत्स साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि इस बिजनेस के अंदर रिलेशन बहुत जोरदार चीज है। हम ये सोचते हैं कि इसी महीने का रिलेशन है, इसी महीने का बिजनेस है, तो गलत सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अंतिम सांस तक हमारे रिलेशन तो रहेंगे ही रहेंगे, तब आप इस बिजनेस के अंदर एक साथ काम मिलकर के काम कर पाते हैं। बहुत दूर तक अगर आप अपने साथियों के साथ में चलने का मादा रखते हैं, उनके बारे में, उनके अच्छे के बारे में सोचते हैं, जितने चीज के बारे में बताया कि आप राजाराम जी अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। और मुझे इस बड़े मंच पर कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत सारी कमियां आपके एक इशारे पर मैंने तुरंत छोड़ दी और जिस तरीके का जीवन आज मिला है, शायद ही मिले जीवन किसी को। ऐसे व्यक्तित्व जो मैं कहता हूं, कई बार हम जैसे यहां गए हुए थे बस्ती के अंदर प्राकृतिक योग चिकित्सालय के अंदर, तो उनको मैंने देखा था करीब से कि ऐसे वचन जो सुबह सुबह उनके निकलते हैं ना, वो जीवन में घटित हो जाते हैं। तो बहुत भाग्यशाली है आरसीएम के लोग, बहुत भाग्यशाली है आरसीएम के जितने भी अचीवर्स हैं जिनको आपका साथ मिला। और मैं ऐसा मैडम से कहना चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप देखें कि अप्रैल के महीने के अंदर ऋषि जी एक बात कहते हैं कि सोना बेचना बहुत आसान है, पीतल बेचना बहुत मुश्किल है। और मैडम आप तो सोना बेच रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे पास में आता है तो शुरुआत उसकी हेल्थ गार्ड से होती है। और आपने अभी जो प्रोडक्ट दिया है गामा वर्जिनोल, उसमें एक बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे ख्याल में इंसान के अंदर जितनी सारी बीमारियां होती हैं, उन सारी बीमारियों का इलाज है। अगर आपको अगर इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है तो मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में आप 5-10 बार रीडिंग कर लें। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो 10-20 बार उस किताब को देख लें, उस चीजों को पढ़ लें, क्योंकि टेक्निकल चीजें, मेडिसिन जो मेडिकल साइंस के बारे में जो चीजें हैं वो अपने को थोड़ा 2-4 बार सीखने से समझ में आती है। साबुन नहीं है कि हमारे 12 रुपए की या 9 रुपए की साबुन आई, हम किसी को जाके जबरदस्ती बेच आते हैं। ये प्रोडक्ट अच्छा क्यों है, इसके क्या कारण है। आने वाले दिनों के अंदर आश्रम में बहुत सारी बड़ी चीजें आने वाली है, प्रोडक्ट को लेकर के, नई चीजों को लेकर के। मैं साक्षी रहा हूँ इस बिजनेस का कि 2001 के अंदर एक फार्म भी जमीन होता था तो भीलवाड़ा जाकर के जमा करवा के आना पड़ता था, मगर आज 1000% जो भी चीजें होती है आपकी मुट्ठी के अंदर है, मोबाइल के अंदर है आपके पास। कोई फॉर्म अगर जमा करवाना है या आईडी एक्टिव करनी है या आपको बैंक अकाउंट अपडेट करना है, तो इससे आसान जीवन के अंदर और कुछ भी नहीं हो सकता है। बस अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करें। और फिर मैं कहना चाहूंगा, विश्वास करने से चीजें संभावनाओं के दायरे में आ जाती है। नमस्कार, जय आरसीएम, पावर टू बीसी जी। थैंक यू राजाराम जी। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो मुझे याद आ रही है। हाँ सर, अत्री सर है सर अपने बीच में। अत्री जी, अत्री जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, निवेदन करूंगा कि वो आकर अपना आशीर्वाद देंगे। ओवर टू अत्री जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। महावीर जी का मेरे पास जब कॉल आया तो मेरी बल्कि 2 बजे एक मीटिंग शेड्यूल्ड भी है,
मैं काफी देर तक एंट्री नहीं हो पाया, मैं YouTube पे देखता रहा, लेकिन साथ में मैंने मोबाइल पे बार बार टिक करता गया, जैसे कोई निकला मेरी एंट्री हो गई इसके अंदर। और जैसे वत्सर ने बोला, जैनन जी ने इस आज के प्रोग्राम को चार चांद लगा दिया, उनका प्रेजेंटेशन लाजवाब रहा, और महावीर जी को बहुत बहुत बधाई। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो खूबी महावीर जी में है शायद वो बहुत कम लीडर्स में होती है, और उनका इतनी बड़ी पिन पे आने के पीछे केवल ये कारण नहीं कि वो काम ज्यादा करते हैं, बल्कि सबसे बड़ा कारण है कि उनके अंदर खूबियां हैं। हर व्यक्ति को अपना बनाना उनकी सबसे बड़ी खूबी है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आधार यही है कि आपका सामने वाले के साथ जो रिलेशन बिल्ड होता है वो आपको आगे निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। महावीर जी मेरे क्रॉस में हैं, लेकिन कभी भी ऐसी भावना आई नहीं कि वो मेरी क्रॉस टीम है। राजा राम जी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, एक भाई की तरह रिलेशन है, और हमेशा मैंने महावीर जी को एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। कोई भी बातें डिस्कस कर लेते हैं जो गार्डन रूल को फॉलो करने वाली हैं, और महावीर जी में दो तीन चीजें इस प्रकार की रही जिसने जिसकी वजह से वो इस बिजनेस के बड़े बड़े अचीवमेंट को लगातार आगे बढ़ते गए। पहली चीज तो उनका एक्साइटमेंट का लेवल, आप कभी भी बात कर लीजिए, कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, उनके अंदर कभी भी एक्साइटमेंट का लेवल कम हुआ ही नहीं है। इस खूबी ने उनको आज सफार जैसी बड़ी पिन पर लाके खड़ा कर दिया। दूसरा है स्किल नॉलेज, हम कोर में भी इस बात की चर्चा करते हैं, कोई भी ऐसी चीज आती है तो महावीर जी हर चीज के बिल्कुल पूरा डाटा के साथ उसके बारे में शेयर करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को तराशा, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे किसी और पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से, तो उन्होंने अपनी स्किल को लगातार बढ़ाया, और जो भी लीडर अपनी स्किल को लगातार बढ़ाता है वो आगे बढ़ता है, बढ़ता जाता है। और तीसरी चीज थी, हमारा बिजनेस टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, हम बिना टारगेट के कभी आगे बढ़ नहीं सकते, हमेशा महावीर जी के लक्ष्य बढ़े रहे हैं, उन्हें कभी छोटा सोचा ही नहीं, हमेशा बड़ी सोचने की उनकी जो खूबी है उसकी वजह से आज वो इतनी बड़ी पिन पे आ पाए। तो मेरी ओर से महावीर जी को बहुत बहुत बधाई। आज का यह सेशन सर महावीर जी आपके लिए है, आज आप दुल्हा है, और स्पेशली ईसा मैम आपके सेलिब्रेशन में शामिल है, जो आज पूरे इंडिया में जिनके नाम को लेकर के लोग एक्साइटेड हैं, जो आज पूरे इंडिया की हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा एक मिशन चला रही है, तो आज के सेलिब्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। और बीसी सर आज हमारे बीच में हैं, मैं बिल्कुल महावीर जी की, जैनन जी की उस बात से 100% सहमत हूं। आज जितनी भी बड़ी पिनों पर कोई भी लीडर है उसमें यदि आप देखेंगे तो 90% रोल बीसी सर का है। कोई भी लीडर है, उन्होंने बिल्कुल हर लीडर को अपने बच्चे की तरह पाला है, उनको बिल्कुल हर जगह मोटिवेट किया, उनका हाथ थामा है, और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे मेंटर भी बीसी सर हैं। तो आज की इस पूरी इवेंट में महावीर जी आपको बहुत बहुत बधाई, ये सिलसिला लगातार बनता रहना चाहिए। पूरी कोर लीडर की ओर से, पूरी कोर टीम की ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मेरा दूसरा सेशन है ईशा जी के साथ इस जूम मीटिंग में आने का, सुबह हमने एक और पिलर अवार्ड से एक लीडर को सम्मानित किया, वहां पर भी 1000 का पैक हो गया था और बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, आज भी बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है। तो मैं बिल्कुल तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, और जो आपने अपनी छवि बनाई है एक बढ़िया जोशीले लीडर की, एथिकल तरीके से काम करने की, सभी साथियों का भला चाहने की, आप इसी प्रकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। आज आप महावीर जी के बड़े भाई नहीं लग रहे हो, आज महावीर जी के छोटे भाई लग रहे हो। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे बीच में विजेंद्र जी, रवि जी कौन है? वो तो नहीं दिख रहे सर। हाँ? नहीं दिख रहे, ईशा मैडम को ले लीजिए सर। हाँ, तो ओवर टू ईशा मैडम। बिल्कुल, हम ऑलरेडी आपको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब है, और आप अपने जिस अंदाज में जिन तथ्यों को रखती हैं, बिल्कुल आपको भी लगा होगा, क्योंकि आरसीएम का सेशन आज आपको पहली बार अटेंड करने का मौका मिला, और आरसीएम के उन टॉप शख्सियतों को की भावनाओं को आज आपने सुनने का शायद अवसर मिला, क्योंकि आप हमेशा टेक्निकल टर्म्स में बात करती है, लेकिन आरसीएम की धड़कन आज आपको समझ में आई होगी महावीर जी की कहानी से, और अत्री जी की बातों से, वत्साब की बातों से, राजाराम जी की बातों से, क्योंकि ये हिंदुस्तान के टॉप पिलर्स जिनके माध्यम से आरसीएम इस मुकाम पे पहुंचा, उन सबको सुनने का आपके लिए भी एक चांस था ये। तो ओवर टू ईशा मैडम। वाकई में
बिल्कुल, मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से ये पल हैं आज के, जो मैंने आज सुन रही हूँ, जो ऑरा बन चुका है, शुरू से इस प्रोग्राम में एक ऑरा बन चुका है। और जिस तरह जय नारायण जी ने सबसे पहले अपनी फीलिंग्स, अपना दिल खोल के रख दिया उन्होंने, तो वो उन्होंने सबकी आवाज खोलिए। जी जी सर, सॉरी सर, मैं कह रही थी कि वाकई में आज का ये जो प्रोग्राम है ये एक अलग ही जोन में चल रहा है, अलग ही ऑरा इसका मुझे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। और जिस तरह जय नारायण जी ने शुरुआत की, उन्होंने तो अपना दिल ही खोल के रख दिया, पूरे हर किसी की आत्मा तक उनकी बातें पहुंची हैं। और मुझे भी गर्व हो रहा है, मैं ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हूँ और वो भी कितने सालों से, तो बहुत खुशी हो रही है। और जिस तरह महावीर जी ने, मुझे नहीं मालूम था सर आपकी स्टोरी इस तरह की है, मतलब इतने उतार चढ़ाव आपने तस्वीरों के साथ जिस तरह अपनी पूरी जर्नी दिखाई जिंदगी की, तो मैं आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी के खेल के आप पक्के खिलाड़ी हैं, पक्के खिलाड़ी। और ये आपने प्रूव कर दिया, 2020 जो इतना चुनौती भरा साल रहा उसमें भी इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर ली, आप ब्रांड न्यू सफायर बने। और जिस तरह बीसी सर कह रहे हैं कि सफायर आपका इंतजार कर रहा था, आपको तो मिलना ही मिलना था, तो आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और आपकी टीम में कामयाबी की लाइन लगी हुई है। और खुशी की बात यह है कि मेरी भी इच्छा पूरी हो रही है, आज आपको मुझे पिल्लर अवार्ड से भी सम्मानित करने का मौका मिलेगा। सर आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं, और आपने कितने लोगों को जगाया है, कितने लोगों को उनके अंदर की काबिलियत दिखाई है। जिस तरह आज सब लोग बीसी सर की बात करते हैं कि उन्होंने हमारे अंदर का गोल जगाया है, हमारा ड्रीम जगाया है, हमें इस लायक बनाया है, आपने भी लाखों लोगों को यूनिक बनाया है, उनके अंदर का टैलेंट उन्हें दिखाया है। और ये सबके अंदर होता है, सिर्फ पहचानने वाला चाहिए, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, सिर्फ हमें कोई परखने वाला चाहिए। और हम सब यहाँ पर कुछ ना कुछ करने आए हैं, मैं तो यही मानती हूँ, हर कोई किसी मकसद से यहाँ पर आया है। गीता में, मैं गीता भी पढ़ती हूँ, और गीता में एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि हमें 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं इंसान का जन्म लेने के लिए। तो इंसान का जन्म कितना स्पेशल है, इसका मतलब अगर हमें वो मिला है इतनी मुश्किल से, तो हमें उसमें कुछ करके जाना है, कुछ हासिल करके जाना है, गोल को अचीव करके जाना है। और इसमें आपकी सेहत का सबसे बड़ा रोल है, हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर वो शक्ति नहीं, वो हेल्थ नहीं, वो एंथुजियाज्म नहीं, वो एनर्जी नहीं। हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, और क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक चीज होती है, आरसीएम के माध्यम से मुझे पता लगा, मुझ में भी यही यूनिक है कि मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए बनी हूँ, लोगों को जागरूक करने के लिए बनी हूँ, लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करने के लिए बनी हूँ, और लोगों को एक रोग मुक्त जीवन की तरफ लेके जाने के लिए बनी हूँ। इसी मिशन के साथ अब मैं काम कर रही हूँ, इसी मिशन पर अब मेरी जिंदगी समर्पित है। अलाइव फ्री फ्रॉम डिजीज, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, अलाइव फ्री फ्रॉम डिजीज। सुनने में ये इम्पॉसिबल लग रहा है, अगर मैं आज से 4 साल पहले आपको बोलती कि एक रोग मुक्त जीवन की तरफ चलेंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर बीपी, शुगर, थायराइड, दिल की बीमारियां, किसी भी समस्या से हमारा कोई देशवासी नहीं जूझेगा, तो आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब ये मुमकिन है, अब हमारे पास भारत में एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो भारत में अब पहली बार है, पहले नहीं था लेकिन अब है। आज खुशी की बात मेरे लिए ये है कि आज हमारे महावीर सर भी पिलर ऑफ हेल्दी इंडिया बन चुके हैं, अब बारी है उन्हें सम्मानित करने की। लेकिन उससे पहले सर मैं इसका थोड़ा नाम चेंज करूंगी आज आपके लिए, पिलर अवार्ड का आज नाम कुछ और होना चाहिए, इस अवार्ड का नाम होना चाहिए सबसे ज्यादा पिलर अवार्ड दिलवाने वाले इंसान को ये अवार्ड दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा पिलर अवार्ड दिलवाने वाले व्यक्ति महावीर। पाकिस्तान बॉर्डर के छोटे से गांव से उठकर कामयाबी के शिखर पर पहुंचे महावीर सहारन जी अपने आप में एक मिसाल है। केवल 2500 की नौकरी से जिंदगी की शुरुआत की, पर मन में हमेशा से कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन में आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया और आज हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध लीडर्स में इनका नाम बहुत ही शान से लिया जाता है। आज महावीर जी ने पूरे इंडिया में अपना बिजनेस फैलाकर लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दिलवाई है।
आरसीएम को जिंदगी जीने का पूरा पैकेज कहने वाले महावीर जी इस बिजनेस के माध्यम से एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने 1000 लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक कराया और टीम हेल्थ गार्ड इन्हें पिलर ऑफ हेल्दी इंडिया के कहा। महावीर सर, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको अपनी सफायर की उपलब्धि और इस उपलब्धि के लिए बहुत 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 बधाई। ओवर टू यू सर, आप कहना चाहेंगे कुछ? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। और मिशन में जब हम शामिल होते हैं तो हमारी इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं रहती है, चाहे वो पिन हो चाहे वो काम हो, हम मिशन में एक पार्टनर की तरह काम करते हैं और आप इसको बखूबी निभा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 38 पिलर अवार्ड गए हैं, जिनमें लगभग 16 पिलर अवार्ड अभी मेरी अकेले की टीम में गए हैं। ये आपका प्रयास है, आपका प्यार है और आपकी नजरों का कमाल है कि आप उन पारखी नजरों से देख लेते हो कि कहाँ पे काम हो सकता है, जिनमें जय सर और दिनेश सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राधेश्याम जी भी बहुत बढ़िया पिलर अवार्ड में काम कर रहे हैं और आप लगातार उनको पर्सनली टाइम दे रहे हैं, उसके लिए दिल से आपका आभार, पूरी टीम का आभार। और जो भरोसा आप लोग हम पे कर रहे हैं मैडम, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उसको 1000 से ज्यादा गुना हम आगे लेके जाएंगे और शाम के प्रोग्राम को हम आज ऐतिहासिक बनाएंगे। आपने जो टाइम दिया और जो शब्द आपने मेरे लिए यूज किए, उनके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद देता हूं और उन सारे शब्दों पे मैं खरा उतरने का 100% प्रयास करूंगा। धन्यवाद मैडम। हाँ जी, आगे बढ़े। जी यस सर, बिल्कुल सर। अब हम उस सेलिब्रेशन की, क्योंकि आज का दिन टीम के सेलिब्रेशन का दिन है, उस तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो आपसे इजाजत लेते हुए मैं सभी साथियों को पुनः पुनः और बार बार दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये सेलिब्रेशन एक व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्ति तो प्रतीक होता है, सेलिब्रेशन हमेशा पूरी टीम का होता है, टीम के एक एक साथी का होता है, चाहे उसका जो लेवल है ना वो वाइटल के बिगिनर का लेवल भी होता है, क्योंकि किसी भी किले की एक ईंट भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितना किला इम्पोर्टेंट होता है। तो हर साथी का सेलिब्रेशन है, इसलिए मैं मेरी तरफ से सभी को बधाई संदेश देना चाहता हूं। पहले तो कि आरसीएम में जो ये जो मार्च के महीने में हम लोगों ने जो इतिहास बनाया है और बिल्कुल 16 पिलर अवार्ड इस बात को दिखाते हैं कि ये सफायर में बहुत बड़ा काम गामा और इंदुल ने किया है। तो बिल्कुल बिल्कुल शानदार क्लोजिंग के लिए और बड़ी से बड़ी पिनों को अचीव करने के लिए, आरसीएम को हिंदुस्तान में नंबर वन बनाने के लिए और आरसीएम को एक बहुत ऊंची गरिमा देने के लिए, पूरे आरसीएम परिवार में एक नया माहौल बनाने के लिए, जयनारायण जी को, महावीर जी को और इनकी पूरी टीम को, हिंदुस्तान की नंबर वन टीम को, हिंदुस्तान की नंबर वन जोशीली टीम को और हिंदुस्तान की नंबर वन बिल्कुल उस टाइगर टीम को, कहते नहीं कि शेर की खासियत कुछ अलग ही होती है। एक बात बहुत ध्यान से समझने की होती है कि जंगल में सबसे ताकतवर तो गेंडा होता है और सबसे मोटा हाथी होता है, सबसे तेज चीता होता है, सबसे ताकतवर सबसे चालाक लोमड़ी होती है, सबसे लंबा जिराफ होता है, मतलब सारी खूबियां औरों के पास होती है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है, क्योंकि उसके पास दो चीजें होती है, हौसला और फैसला। वो ही दो क्वालिटी महावीर के पास हमेशा रही है, उत्साह, उमंग। कभी भी जहां पर भी जाओ, महावीर है इसका मतलब उस माहौल में उत्साह भी है और उमंग भी है, वहां पर जोश भी है और जुनून भी है। जय नारायण जी हो चाहे महावीर जी हो, ये इनकी क्वालिटी रही है और ये क्वालिटी हमेशा एक चीज कहती है कि ओरा बन जाता है, जैसा मैडम कहते हैं ना, तो वहां पर इनकी उपस्थिति से ही एक नया ओरा बन जाता है। तो बिल्कुल, और जब घर में जब ये परिवार में कामयाबी आती है तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में मैं एक लाइन आपकी डायरी में नोट करवाना चाहता हूं, इफ यू के सेलिब्रेट यू विल एलिब्रेट। अगर आप जितना अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएंगे, उतना ही आप अपनी नई कामयाबियों का आह्वान करेंगे। आप जितना अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएंगे, उतनी नई कामयाबियों का आह्वान करेंगे। इसलिए अपनी कामयाबियों को प्राप्ति मत करिए, उनको सेलिब्रेट करिए। और उसी भावना के तहत मैंने महावीर से रिक्वेस्ट करी, ईसा मैडम से रिक्वेस्ट करी, दोनों को मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा। ईसा मैडम को भी डर लग रहा था कि पता नहीं ये प्रोग्राम कैसे होते हैं, क्या लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है
और महावीर को भी थोड़ा थोड़ा सा ये था हिच के भाई क्या पता कैसे क्या करना है, लेकिन मैंने कहा ये आप डोंट वरी। लेकिन मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ, आपकी टीम के छोटे से छोटे साथी का सेलिब्रेशन करिए आप जब किसी को सेलिब्रेट करते हो तो उसको एलिब्रेट करते हो, ये उसके अंदर एक नया जुनून भरते हो, उसको ताकत से भर देते हो आप, उत्साह उमंग से भर देते हो। और महावीर जी में वो खूबी है कि वे अपनी कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, जयनारायण जी में वो खूबी है कि वो कामयाबी का जश्न मनाते हैं, और आरसीएम में वही बंदा आगे निकलेगा जिसमें पिनों की भूख है। देखो एक बार चीज, पैसे की भूख तो आपकी खत्म हो जाएगी, कौन बनेगा करोड़पति, तो करोड़पति एक बार भी बनावे या नहीं बनावे कोई पता नहीं उसका कि वो करोड़पति बनाएगा, और बनाएगा तो एक बार करोड़पति बना के मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आरसीएम तो पता नहीं कितनी बार करोड़पति बनना आएगा कि आप करोड़पति बनते बनते थक जाओगे, लेकिन करोड़पति बनने के सपने से बात नहीं बनेगी, पिनों का सपना होना चाहिए, आप में पिनों की भूख होनी चाहिए, वो भूख आपको गोल सेट करवाएगी और वो आपसे काम करवाएगी, वो आपकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालेगी। और महावीर जी ने अपनी सफायर की पिन को जिस तरीके से कोरोना काल में सेलिब्रेट किया, देखिए आप इनके परिवार की उन खुशियों को आप भी महसूस करिए और आप भी फील करिए कि एक दिन मैं भी सफायर पे जाऊंगा और मेरे भी घर में इसी तरह का खुशी का माहौल बनेगा, मेरे भी परिवार में इस तरह का सेलिब्रेशन होगा, पूरे परिवार में एक नया उत्साह और उमंग का माहौल पैदा होगा। बिल्कुल हम चाहे फिजिकल बड़े प्रोग्राम हजार लाखों लोगों के प्रोग्राम ना कर पाए, लेकिन अपनी कामयाबियों को मैं के रूप में बदलिए ताकि नई कामयाबियों का आह्वान हो जाए। और ये आप देख रहे हैं कि सफायर की पिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं महावीर जी अपने परिवार के बीच में, आप देखेंगे कि जयनारायण जी हमेशा उनके एक राइट हैंड की तरह से हमेशा उनके हर काम में शामिल रहते हैं, और बिल्कुल उनका परिवार भी उनकी कामयाबी को कितने बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करता है। एक आप सोचिए कि जब एक लेवल आता है तो ये केवल पैसा नहीं लाता है, ये खुशियां लाता है, एक नए अगले लेवल का आह्वान करता है। आरसीएम में सबसे बड़ी पिन जो होती है वो डायमंड की पिन होती है, और अब आरसीएम की डायमंड की पिन के लिए महावीर जी सिर्फ एक कदम की दूरी पर है, जिसको वो डिजर्व करते हैं, एक कदम दूरी पर है। हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं सर थोड़ा सा चलो बस वो गांव आ गया, थोड़ा सा बस गांव आ गया, तो मैं महावीर जी को कहना चाहता हूँ थोड़ा सा चलो बस वो डायमंड आ गया, अब दूर नहीं है वो दिन क्योंकि एक पायदान की दूरी पर है। और बिल्कुल इसी तरह की इन खुशियों को सेलिब्रेट करिए, केक काटिए, बिल्कुल जश्न मनाते रहिए। ये महावीर जी का पूरा परिवार एकदम पूरा आरसीएम में परिवार है, और जिस तरीके इस तरह के मैं ये पूरे हिंदुस्तान को ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको इनको अपनी आंखों में बसाना है ताकि आप भी इन दिनों का इंतजार कर सकें, ये कि कैसे एक कामयाबी आपके जीवन में कितने तरह के रंग भर देती है, कितनी तरह की खुशबू बिखेर देती है, कितने तरीके की गर्मा पैदा कर देती है, और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर जो क्वालिटी छिपी हुई है उन क्वालिटीज को बाहर निकालने का। मैं हमेशा से कहा करता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी हो, आपकी मम्मी को भरोसा नहीं, पापा को भरोसा नहीं, आपके परिवार को भरोसा नहीं, समाज को भरोसा नहीं, सरकार को भरोसा नहीं, रिश्तेदार को भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है आप कामयाब हो सकते हैं। और उस मेरी उस बात को पूरा हिंदुस्तान स्वीकार करता है, जो इसको स्वीकार करता है भी, जब मैं कहता हूं कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है, और उसकी वजह से अगर एक गरीब भी अपनी गरीबी की रेखा को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। जब मैं कहता हूं कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बसाइए, और कोई भी छोटी आंखों में बड़े सपने बसा लेता तो एक नया महावीर सरण तैयार होता है, जिससे उसके पूरे परिवार में गरिमा आ जाती है, पूरे समाज में गरिमा आ जाती है। आज पूरे इंदोकली गांव के राजा हैं ये, क्योंकि मैं तो इनके घर भी गया हूँ, इनके गांव भी गया हूँ, अब मैंने तो घर पे खाना भी खाया, सब पूरे परिवार से मिला हुआ हूँ मैंने, मतलब वो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर का वो एक ऐसा छोटा सा गाँव कि जब पाकिस्तान में गोली चलती तो आवाज वहां तक आती है, और गाँव भी ऐसा छोटा सा बिल्कुल, मतलब बड़ा गाँव नहीं क्योंकि मैं भी गाँव का ही हूँ, तो वो छोटा सा गाँव जहाँ पर कोई 50-100 घरों की बस्ती हो, उस घर में गांव में जब हम 9 कारों का काफिला, मतलब इतनी कारों का काफिला लेके उस घर का सेलिब्रेशन किया था, तो पूरे गांव में वो गाड़ियां घुमाई थी, तब वो पूरा गांव ने देखा था, मतलब एक एक गांव में, मतलब हम मैं कहा करता था कि हिंदुस्तान का जिस दिन आप आरसीएम करोगे तो आपके अपने इलाके की सबसे बड़ी इनकम टैक्स पेयर आप बनोगे, सबसे बड़ी गाड़ी आपके पास होगी, सबसे बड़ा बंगला आपके पास होगा, और वो बातें महावीर जी ने सत्य करके सिखाई है। तो इसलिए मैं महावीर जी को बहुत 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 और दिल से ओवरलोड बिल्कुल, और मेरे अगर पोते की आवाज में कहूँ तो मेरा पोता कहता है वैदिक की ओवरलोड ट्रक, और ओवरलोड ट्रकों की भी ट्रक भर भर के मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आप
और बिल्कुल यू डिजर्व इट। सफायर आपका इंतजार कर रहा था, बस वो बेसब्र था कि कब महावीर जी मुझे पसंद करें, और आपने उनकी उसकी बेसब्री को मिटा दिया। अब डायमंड आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बस कि वो डायमंड भी चाहता है कि महावीर कब मेरी जिंदगी में आए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो बिल्कुल उन्हीं कामनाओं के साथ में मैं पूरी टीम के उन साथियों का, और मैं प्रेजेंटेशन के मामले में सबसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ कि प्रेजेंटेशन में कोई भी भूल हुई हो, कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। किसी की फोटो छूट गई हो, किसी के नाम में कोई गलती हुई हो, क्योंकि आज आरसीएम का परिवार इतना बड़ा हो गया है। पहले तो मैं आरसीएम के बच्चे बच्चे को जानता था, लेकिन अब आरसीएम का परिवार इतना बड़ा हो गया है, और कोरोना काल से एक साल से हम किसी से मिले नहीं है, तो कईयों के नाम की बात है, कोई भी बात है, भूल हो सकती है, और मेरे पास ऐसे कोई डाटा भी अवेलेबल। और सबसे बड़ी बात है समय का चैलेंज, और ये सारा काम मेरा स्टाफ के माध्यम से मुझे करना होता है। तो कोई भूल चूक हो गई हो तो उसका भाव ये नहीं है कि हमें आपको, भाव एक ही है कि मुझे एक एक व्यक्ति की कामयाबी का सेलिब्रेशन करना है। और मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि आपने अपने जन्मदिन ना मनाए होंगे, अपनी शादी की सालगिरह ना मनाई होगी, लेकिन मैं आपकी कामयाबी का जश्न पूरे हिंदुस्तान के बीच में मनाऊंगा। और आज मेरा ये सपना पूरा होता है कि जिन लोगों ने पर्ल के लेवल को, और आज आप देखें थोड़ा ध्यान से समझें, कभी रॉयल्टी के सेलिब्रेशन किया करते थे, और आज हमारे सामने अब कुछ समय की चुनौती ऐसी आ गई कि हमें रॉयल्टी तक को छोड़ना पड़ता है। रॉयल्टी जिसके गुणगान गा के हमने आरसीएम को खड़ा किया, इसलिए मैं साथियों का आह्वान करता हूं कि अब आप अपना टारगेट सीधा रूबी स्टार बनाइए, क्योंकि 2025 के पहले पहले आरसीएम में रूबी स्टार इतने हो जाएंगे कि रूबी स्टारों के भी नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा। जो आज कोर टीम के साथी कहलाते हैं तो वहां पे भी फौज खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपने सपनों को बड़ा करिए, थोड़ा अपने सपनों को बड़ा करिए, और सपनों को बड़ा करने के लिए विचारों को बड़ा करिए। इफ यू एलिवेट योर थॉट यू विल, आप पहले अपने विचारों को बड़ा करिए, जिंदगी बड़ी हो जाएगी, खूबियां बड़ी हो जाएगी। जैसा महावीर जी ने बिल्कुल 2500 रुपए की नौकरी से आज इस ऊंचाई को छुआ, आप भी करिए। तो पर्ल के साथियों को मैं बिल्कुल, मैं सीमंता हजारिका फ्रॉम नौगांव आसाम, बहुत 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 मतलब आसाम का वो बॉर्डर जहाँ पर मैं गया, नौगांव, जहाँ पर मैं, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा कि हिंदुस्तान के लगभग लगभग सब जगह मैं गया हूँ, तो बिल्कुल इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और फिर है हमारे बीच में कुमुद चंद्रा जी गोस्वामी, इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहें। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपके पास ये शुरुआत है कामयाबी का, आप भी डायमंड से दूर नहीं है बिल्कुल। आप थोड़ा सा काउंट करेंगे तो देखिएगा, पर्ल के पास स्टार पर्ल होता है, फिर एमरल्ड होता है, स्टार एमरल्ड होता है, फिर रूबी होता है, फिर स्टार रूबी होता है, यानी 5-7 कदम की दूरी पर आपका स्टार रूबी है, और 2 कदम और आगे बढ़ेंगे तो डायमंड है। यानी आप कामयाबी की तरफ आपने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसी तरह से सोनलाल जी टोनी फ्रॉम फिरोजपुर पंजाब, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और सत्यपाल सिंह जी फ्रॉम सहारनपुर यूपी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इनको। और ये है हमारे भवनलाल जी जांडू, बिल्कुल राजस्थान से, डेगाना वगैरह से हैं, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही कमिटेड साथी हैं। नरेंद्र सिंह जी टोगावास चुरू राजस्थान से, आप देखेंगे कि एक सफायर का बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैलता है, एक तरफ हम उधर आसाम को कवर कर रहे हैं, एक तरफ पंजाब को कवर कर रहे हैं, एक तरफ राजस्थान के इंटीरियर को कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल कानाराम जी प्रजापत सुजानगढ़ से, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिल से बधाई इनको। पर्ल के इस लेवल को टेक्निकल नाम में ही खूबी है, आदमी रॉयल्टी पर जाके अटक जाते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वो होते हैं जो टेक्निकल के लेवल को। तो बजरंग जी जाट सालासर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और ये हैं हमारे मोहन लाल जी फ्रॉम फैमिली के साथ में है मोहन जी, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र से हैं मैं समझता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की वेशभूषा है तो महाराष्ट्र से हैं, तो इनको भी नासिक महाराष्ट्र से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और अब हम आते हैं उस पिन की ओर जो पर्ल से अगला लेवल, स्टार पर्ल जहां पर आप 10-10 लाख का बिजनेस अपने टीम में, एक दोनों साइड में मिनिमम 10-10 लाख, यानी इससे ज्यादा ही होता है। आप अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे तो बिजनेस कोई भी होते हैं वो ईयरली होते हैं, और 20 लाख का बिजनेस, 25 लाख का बिजनेस अगर आपका एक महीने का होता है तो आपका 12 महीने का बिजनेस कैलकुलेट करेंगे तो आप 5 करोड़ की इंडस्ट्री के लगभग चला रहे होते हैं। 5 करोड़ की इंडस्ट्री चलाने वाला
आप आदमी बन चुके होते हैं तो आपको अपने आप को उसी एंगल से सोचना है। और स्टार पल के लेवल पर ये विजय लक्ष्मी जी अनूपगढ़ से, बिल्कुल गंगानगर के बिल्कुल पास से अनूपगढ़, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इनको। बिल्कुल तीरथ मेघवंशी जी विजयनगर, ये भी गंगानगर के पास में ही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन प्रेस्टीज स्पिन के लिए और परिवार के साथ में। इनको पूरा राजकुमार जी शर्मा फैमिली के साथ में, कितनी खुशियों के साथ में पूरा परिवार इन्वॉल्व है स्टार पल के लेवल को अचीव करने के लिए, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर डी आर भाटिया जी जोधपुर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको बिल्कुल, और इन्होंने फाउंडर का नहीं फाइनल स्टार पल का लेवल हासिल किया है, इनके लिए इनको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। आप देखेंगे कि कैसे परिवार में खुशियां बिखेरता है ये बिजनेस। ये है डॉक्टर भरत बहादुर चंद, हाँ भरत बहादुर चंद, यशोदा चंद, क्या गांव का नाम है, यशोदा चंद वाइफ का नाम है। अच्छा, हाँ वेरी गुड, परिवार के साथ में बहुत 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 बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये है हमारे प्रमोद चंद्रा जी फैमिली के साथ में रायबरेली यूपी से, बिल्कुल बहुत 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 ही दिल से शुभकामनाएं बधाई और अचीवमेंट की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और स्टार पल के लेवल पर ये हमारे साथी हैं जितेंद्र चौरसिया और पूरे परिवार के साथ में मुंबई महाराष्ट्र से, मुंबई जैसे शहर में रहकर पार्ट टाइम में इनके साथ में बहुत मुलाकातें हुई है मेरी, बिल्कुल बहुत शुभकामनाएं इनको। और हरीश सर गुजरात से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके साथ भी मुलाकातें हमारी हुई है स्टार पल, बहुत शुभकामनाएं। परिवार के साथ में मिलके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं। और ये है हमारे मिस्टर महेश सर फैमिली के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बस इसी तरह से हर महीने आप अपने अगले लेवल पे जाते रहें। और सभी साथियों को एक ही निवेदन करूंगा, अप्रैल के माथे पे लिख दो कि तुम आर से बड़ा है, बस तभी एक इतिहास बदलेगा। और उसमें गामा और इदोल कैसे काम करेगा वो मैं आज आपके बीच में शेयर करूंगा, आगे मेरा वही सेशन है। तो स्टार पल के रूप में आप देखेंगे कि 67 की एज में, यानी मेरी उम्र में है ये बराबर, बिल्कुल 67 की एज में बालू भाई जी हैं, गुजरात से हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको कि इन्होंने इस उम्र में भी अपने जोश और जुनून को कामयाबी, लोग तो रिटायर हो जाते हैं, इन्होंने रिटायर कर लिया अपने आप को, बिल्कुल लोग रिटायर होने के बारे में सोचते हैं। और मिस्टर सिमंता अजयका जी, इनकी फोटो पहले भी आई है लेकिन डबल आई है, कोई बात नहीं, आसाम से कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, बहुत बहुत बधाई, पहले वाली फोटो दूसरी थी, ये वाली दूसरी है। तो सिमंता हजारिका जी को बहुत बहुत बधाई नौगांव से। और अब आते हैं हम उस पिन की तरफ जिसे एमरल्ड का लेवल कहते हैं, यानी पर्ल के बाद में स्टार पर्ल, और स्टार पर्ल के बाद में आप देख रहे हैं कि हम सब लोग डायमंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम सब लोग सफायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत कम कदम की दूरी पर सफायर हमारा इंतजार कर रहा है, बस एक एक पिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एमरल्ड का मतलब 22-22 लाख का टर्नओवर एक महीने का मिनिमम, और एक महीने की इनकम 1-1.5 लाख रुपए महीने की मिनिमम इनकम, आपकी रेगुलर इनकम के बेसिस पे आप इस लेवल पर आते हैं, तो बहुत शुभकामनाएं। और एमरल्ड के लेवल पर है मिस्टर मनोज प्रजापत, एमरल्ड में पीलीभीत यूपी से, बहुत ही शुभकामनाएं, आप बस ऐसे ही कामयाबी की दुनिया में अपना नाम कमाते रहें, आगे बढ़ते रहें, और एक ही संकल्प करें कि मिलते रहेंगे, लेकिन हर बार अगली पायदान पर मिलते रहेंगे। और राजेंद्र सर जिन्होंने कि लखनऊ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके लखनऊ में आरसीएम बिजनेस का परचम लहराने में पूरी टीमों को सहयोग करते हुए, राजेंद्र जी यादव पूरी फैमिली के साथ में, दोनों बच्चों का पूरा सक्रिय सहयोग, पत्नी का पूरा सक्रिय सहयोग, आपके साथ हमारी बहुत अच्छी मुलाकातें हुई है, और बहुत ही विनम्र स्वभाव के, बहुत ही डेडिकेटेड और कमिटेड लीडर राजेंद्र जी को मैं बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूं, बल्कि मैं कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अगली पिंकी पर आगे बढ़ के बिल्कुल। और रंजीत सर जी हमारे आप पुलिस में अपनी नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस को मेंटेन करते हुए इन्होंने एमरल्ड के लेवल को हासिल किया, बहुत बहुत बधाई, और साथ में एक डिपो का भी संचालन करते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये निरंतर। और अब आते हैं हम स्टार एमरल्ड, यानी 1 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस, यानी 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ की सालाना इंडस्ट्री। आप सोचिए, बाकी की दुनिया 20 करोड़ की इंडस्ट्री चलाती है, उनकी कार की दुनिया बंद पड़ी है, उनके खर्चे चालू हैं और इनकम बंद है, और आपके खर्चे बंद हो गए और इनकम चालू है, उनके खर्चे चालू और इनकम बंद हो गई है, और आपके खर्चे बंद हो गए और इनकम बढ़ती जा रही है, ये आप कितने सौभाग्यशाली किस इंडस्ट्री में है,
कि स्टार एमरल्ड के लेवल पर गंगानगर से अनूपगढ़ गंगानगर बिल्कुल बहुत ही शानदार स्टार एमरल्ड के पिन पे बिल्कुल। जब मैं गंगानगर गया था अभी लास्ट में शादी के टाइम एक प्रोग्राम के रेवाड़िया जी ने, तब ये एमरल्ड के लेवल पे थे और आज स्टार एमरल्ड के लेवल पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इनको भी, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और पीएन यादव जी गोरखपुर यूपी से, गोरखपुर के लोकल होस्ट भी हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोरखपुर जैसे रिमोट एरियाज में आप देखेंगे कि आप अगर बिजनेस को थोड़ा सा गौर करेंगे कि तो इधर हम यूपी के बॉर्डर तक चले गए, यानी नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, उधर आसाम बॉर्डर में हम चाइना बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और इधर हम पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और इधर हम पंजाब बॉर्डर और राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान कवर करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कैसे बिजनेस फैलता है। और ये नोखा राजस्थान से सत्यनारायण जी सुतार, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने स्टार लेवल स्टार एमरल्ड का। और हमारे राहुल कामले जी जो दोनों पति पत्नी मिलके बहुत ही शानदार बिजनेस करते हैं, बहुत ही चहेते लीडर और बॉम्बे के सबसे टॉप लीडर, बॉम्बे के बहुत युवा और बहुत ही अपने आप में मतलब कमिटमेंट के साथ काम करने वाले सरिता कामले और राहुल कामले, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, बहुत कामयाब मतलब अलग ही तरह के सेलिब्रेशन इनकी खूबी है। अगर अभी मौका होता, कोरोना काल नहीं होता, तो महावीर जी का सेलिब्रेशन हम राहुल जी के अंदाज में करते तो बात ही कुछ और होती, शिवाजी राव की तरह से बिल्कुल। देखो मार्च का जो महीना था वो बहुत खास महीना था, मिशन मार्च में एक स्टार सफायर, पांच सफायर और नौ स्टार रूबी तैयार हुए हैं और इतनी बाकी की पिनों की तो मैं आपको काउंटिंग भी नहीं बता सकता, वो आंकड़े मैंने इकट्ठे नहीं किए हैं क्योंकि वो आंकड़े हमेशा एक महीने बाद आते हैं। लेकिन मार्च में एक क्रांतिकारी बदलाव आरसीएम में आया है। अब लेकिन आज मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, पहले हम कहा करते थे सेट योर गोल, फिर हमने कहा बीट योर गोल, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ अपने सपनों को बड़ा करिए और डिजाइन योर गोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।